गाइस रश गई है अपने होम टाउन और मैं ले रहा हूँ अकेले इस मौसम के मजे यहाँ पर। रश लैंड होने वाली है, उसको पिक करने के लिए निकल रहे हैं, पहले बहुत लेट हो चुके हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक। सो मैं रायपुर आई हुई थी बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी टू सी माय फैमिली। यहाँ पे आज से ही फिर से लॉकडाउन चालू हो गया है, पूरी रोड्स एम्प्टी हैं। अभी मैं जा रही हूँ वापस दिल्ली। ओके, आई एम गोइंग टू शो यू हाउ द एयरपोर्ट लुक्स लाइक ड्यूरिंग द लॉकडाउन। इट्स टोटली एम्प्टी। मेरी फ्लाइट दो बार रीशेड्यूल हुई है, कमर्शियल रीजंस थे कंपनी के। लेट्स गो। का हाल देखो भाई, दिल्ली की बारिश। अभी जान पे खेल कर इसको पिक करने जा रहा हूँ मैं। 5 करोड़ किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी भगा कर लाया मैं, और मेरे को लगता है कि हम जितना लेट थे उतनी जल्दी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। तो अब गाड़ी रास्ते में रोक के रश की वेट हो रही है। फाइनली रीच्ड दिल्ली। फाइनली 50 लाख साल घंटे वेट करने के बाद हम अभी पहुंचे एयरपोर्ट, क्योंकि इसकी फ्लाइट फॉर सम रीजन डिले थी, तो हम रास्ते में बहुत देर हमें खड़ा होना पड़ा। बस अभी घर पहुंचे और कब से मैंने अपना सुसू रोक कर रखा था मैं ही जानता हूँ। व्हाट अ रिलीफ। येलो जी, पॉपकॉर्न इज रेडी। बस अभी सोकर उठा हूँ और उठते ही मेरा पहला काम। ये लो भाई आपकी चाय, मौज लो जिंदगी की। रश अभी भी आई है बाहर से ब्रेड लेकर। हमारी ये कंडीशन थी, चाय तभी बनेगी अगर ये ब्रेड बाहर से लाएगी। मेरे को एक्सप्लॉइट करते रहते हो। और किसको करो? ये रहा रश का प्राइस ब्रेड लाने का। खा ले बेटा, खा ले, एंजॉय माइट। क्या पढ़ रहे हो? क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट। मत पढ़ो। अच्छे लग रहे हो। हाँ तो आम ऐसे ही हैं बेसिकली। क्या हो रहा है, कल कुछ नए आम लेकर आए थे जो पुराने आम के ऊपर रख दिए गए, तो वो दब गए, तो मम्मी आम पुराने आम ऊपर कर रही है, नए आम नीचे। जब भी टीवी ऑन करो ऐसी न्यूज आती है, पता नहीं 2020 और क्या क्या हमें दिखाने वाला है इस साल। सीरियसली मैं रश कल ही घर से वापस आई और आती कहती मेरा सांभर खाने का मन कर रहा है, वो भी अपने हाथों का। तो ये लगी है सांभर बनाने यहाँ पे हमारा मास्टर शेफ। मम्मी ने इडलियां भेजी। तो ये क्या कुकर में क्या करने लगे हो? दोनों पावर बैंक को बस चार्जिंग में लगाता हूँ, ये लेके घूमता रहता हूँ। हर जगह साथ में चार्जिंग लेके चलनी चाहिए। पबजी खेलने की तैयारी। अब ये क्या किया आपने? वही होगी बच्चू को। ये क्या बना रहे हो? खाओगे आप? नहीं भाई। ये है ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल में कड़ी पत्ता फॉर माय ब्यूटीफुल हेयर। ये पानी दिया जा रहा है, ये जो देख रहे हो पानी दिया जा रहा है। मैं गई आपसे, केयर नहीं हुई उसकी। नहीं हर रोज पानी दिया हमने। ये छोटा देख रहे हो, ये जाने से पहले ना कड़ी का वो लगा के गई थी, कड़ी पत्ते का ना ये। हाँ। इसकी हालत देखो, पहले ग्रीन था भी काला हो चुका है बल्कि। तो मैं दिखाता हूँ इसका फ्लैशबैक, ये पहले दिखता कैसा था। दो दो आप पौधों को पानी दो सर। आपको ना दे दूं थोड़ा सा। पागल पागल। लाओ भाई लाओ बेबी, फोन छोड़ दो, गिर जाएगा गिर जाएगा। थैंक यू जी, वेरी मच थैंक यू, लुक्स अमेजिंग। इडली सांभर चटनी सब घर का है, और इडली आपके ससुराल से आई है। आई अप्रिशिएट इट। और कद्दू जी कैसी लगी इडली आपको? देखने में तो इतनी यम्मी लग रही है, खाके तो पता नहीं कितना टेस्ट होगा। वाओ आओ, ये क्या एक्टिंग थी। ओहो हो, मजा आ गया भाई।
जो भी आपने वीडियो में देखा शायद आप पहले भी देख चुके होंगे, अगर नहीं देखा तो आप देख चुके होंगे। जब से हमने वो वीडियो देखी है वे लिटिल डिसअपॉइंटेड कि इस पैंडमिक के टाइम पे ऑलरेडी इतनी चीज़ें खराब चल रही हैं और लोग कितने डेस्परेट हो रहे हैं पैसों के लिए, चाहे वो आपके अपने लोग हैं या आप कोई रैंडम हैं तो वो और भी एक्चुअली डेंजरस है। अपने प्लीज़ फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखिए। मैंने जैसे एंड में देखा दो लोगों ने उन किडनैपर्स को रोकने की कोशिश भी करी, हैट्स ऑफ टू देम। गाइस अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द लाइक बटन फॉर दिस वीडियो। आप बेल बटन दबा सकते हैं, उससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी हमारे ब्लॉग्स के बारे में। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे अकाउंट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, चाओ।